हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल नॉलेज नोर में। दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे दिल्ली से रक्सौल जंक्शन के बीच चलने वाली सद्भावना एक्सप्रेस के बारे में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे से जुड़ी सारी जानकारी आपको डेली इस चैनल पे मिलती रहेगी। सद्भावना एक्सप्रेस इंडिया रेलवे के द्वारा चलाया गया एक एक्सप्रेस ट्रेन की सीरीज है, जिसे नॉर्दर्न रेलवे जोन ऑपरेट करती है। दोस्तों, यह कोई इंटरनेशनल ट्रेन तो नहीं है, लेकिन नेपाल के लोगों के साथ शांति की प्रतीक के लिए चलाया गया था। देवनागरी भाषा में सद्भावना का मतलब होता है अच्छी भावना, इसीलिए इस ट्रेन का नाम सद्भावना एक्सप्रेस रखा गया, जो कि लोगों को अच्छी भावना का प्रदर्शित करता है। यह ट्रेन शांति फैलाने के मकसद से शुरू की गई थी। रक्सौल जंक्शन नेपाल के बॉर्डर के पास स्थित है, वहां से भारत और नेपाल के लोगों का आना जाना होता रहता है। लोगों के बीच अच्छी भावना बनी रहे, इसीलिए इस ट्रेन को चलाया गया। इसके साथ यह ट्रेन व्यापारिक दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नेपाल और भारत के व्यापार इस ट्रेन के चलने से आसान हो गए हैं। इस ट्रेन का नंबर 14008/07/16/15/18/17 है। दोस्तों, यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक ही ट्रेन के इतने सारे नंबर क्यों हैं? या फिर आपने किसी स्टेशन पर खड़ी किसी ऐसे ट्रेन को जरूर देखे होंगे जिसमें बहुत सारे प्लेस का नाम लिखा होता है। लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यह ट्रेन कहां से आ रही है और कहां जाएगी। इस वीडियो में हम सारे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिससे आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। सद्भावना एक्सप्रेस, जिसकी शुरुआत 26 फरवरी 2014 को की गई थी। दोस्तों, जब किसी एक ही नाम वाली ट्रेन को अलग अलग रूट पर चलाया जाता है, तो जैसा कि आपको पता होगा, ट्रेन का जो नंबर सिस्टम अलॉट किया जाता है वह उस रूट के जोन के अकॉर्डिंग रखा जाता है। इसलिए 14008/07 दिल्ली रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस, जो कि सीतामढ़ी के रास्ते रक्सौल को जाएगी, 14016/14015 दिल्ली रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस, जो कि सगौली के रास्ते रक्सौल को जाएगी, उसी तरह 14018/17 दिल्ली रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस, जो कि फैजाबाद होते रक्सौल को जाएगी। अतः आप समझ गए होंगे कि इस एक ही नाम वाले ट्रेन का इतना सारा नंबर क्यों रखा गया है, क्योंकि यह अलग अलग रूट और जोन से होकर जा रहा है। दोस्तों, ये सारे ट्रेन एक दूसरे के साथ अपना रेक शेयर करते हैं, क्योंकि इनके चलने की जो टाइमिंग होती है वह अलग अलग दिन होती है। बात करें इसके कोच की, तो इसमें ICF रैक के साथ AC 3 टीयर, स्लीपर, जनरल और SLR कोच दिया गया है। सद्भावना एक्सप्रेस जिस जिस रूट से होकर जाती है, वह रूट पूरी तरह से इलेक्ट्रिफाइड नहीं होने के कारण इस ट्रेन को डीजल लोकोमोटिव WDM-3A और WDP-4 पुल करते हैं। इस ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 110 किलोमीटर प्रति घंटे और एवरेज स्पीड 42 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। इस तरह से आज आपने दिल्ली रक्सौल सद्भावना एक्सप्रेस के बारे में सारी चीजों को जाना। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।